A very joyful good morning to class 10th students. Now I am going to solve short answer type question from metals and non-metals of HN book. You can find these questions on page number 133. Let's start doing it. Question number 36. What is mean by saying that metals are malleable and ductile? Explain with example. आप कैसे कह सकते हैं कि मेटल्स जो होती हैं वो मैलेबल हैं और डक्टाइल हैं? तो बहुत ही आसान आंसर है इसका. मेटल्स इसलिए मैलेबल हैं क्योंकि जब हम इनको हैमर करते हैं, मतलब जब इनको हम किसी भी भारी चीज से हिट करते हैं, तो ये थिन शीट में चेंज हो जाती है, मतलब पतली पतली चादरों में चेंज हो जाती है. तो वी कैन से ये मैलेबल है. और डक्टाइल हम इनको क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जब हम इनको हैमर करते हैं तो ये थिन वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं, माने कि पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि डक्टाइल है. यहाँ पर आप हमको एग्जाम्पल देना है, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कोई भी मेटल. एल्यूमिनियम आप लिख सकते हैं, कॉपर आप लिख सकते हैं, सिल्वर और गोल्ड भी आप लिख सकते हैं. उसके बाद बी क्वेश्चन है यहाँ पर, नेम टू मेटल विच आर बोथ मैलेबल एंड डक्टाइल. आपको दो मेटल्स का नाम देना है जो कि मैलेबल भी है और डक्टाइल भी, और नेम लिखना है, सिंबल नहीं लिखना. तो पूरा पूरा लिखेंगे. एक है आपका एल्यूमिनियम जिसका सिंबल है Al, एंड दूसरा है आपका कॉपर जिसका सिंबल है आपका Cu. यहाँ पर आप लोग सिल्वर और गोल्ड भी लिख सकते हैं. देन सी है, विच प्रॉपर्टी ऑफ आयरन मेटल इज यूटिलाइज इन प्रोड्यूसिंग आयरन शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बकेट. बकेट बनाने के लिए जो हम आयरन शीट को यूज कर रहे हैं, आयरन मेटल को शीट में चेंज करते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? तो उस प्रॉपर्टी को हम मैलिएबिलिटी बोलते हैं. व्हाट वी कॉल दैट प्रॉपर्टी? We call that property is malleability because malleability means that on hammering the metal going to be converted into thin sheet. उसके बाद जो D part है, which property of copper metal is utilized in making thin wire? ऐसी कौन सी property है जिसका use हम लोग metals के wire बनाने में करते हैं? तो property का नाम है ductility, right? Now 37 question. Name two metal which react violently with cold water. ऐसी दो metal का नाम हमें लिखना है जो कि cold water के साथ बहुत ही ज्यादा violently react करती हैं. And यहाँ पर फिर है, write any three observation you would make when such metal is dropped in water. और कौन कौन सी observation आपको दिखती है? How would you identify these the gas evolved if any of the reaction? देखिए, जो आपकी sodium है मेटल और जो पोटेशियम मेटल है वो इवन कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करती हैं, क्योंकि वो इतनी रिएक्टिव मेटल्स हैं कि उनको हमें केरोसिन ऑयल में डिप करके स्टोर करना पड़ता है, अदरवाइज वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाती है. अब हमें कोई थ्री ऑब्जर्वेशन लिखने हैं जब हम उसको कोल्ड वाटर में ड्रॉप करते हैं, तो हमें क्या क्या नजर आता है, क्या क्या ऑब्जर्व हम कर पाते हैं. तो पहला ऑब्जर्वेशन है, मेटल स्टार्ट मूविंग ओवर द सर्फेस ऑफ वाटर मेकिंग अ हिसिंग साउंड. जब हम जैसे इसको ड्रॉप करते हैं तो मेटल क्या करती है? इट स्टार्ट्स मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ वाटर. मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ वाटर विद हिसिंग साउंड. एक गैस निकलने का साउंड आता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं? हिसिंग साउंड. तो वहां पर हमको हिसिंग साउंड क्रिएट करता होता हुआ नजर आता है. सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पर? सेकेंड ऑब्जर्वेशन है, मेटल रिएक्टिंग विद वाटर कॉजिंग लिटिल एक्सप्लोजन. तो यहाँ पर हमको एक्सप्लोजन भी देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे ही आप मेटल को डालेंगे हिसिंग साउंड सुनाई देगा, उसके बाद एक्सप्लोजन होता हुआ नजर आएगा. और उसके बाद हमको दिखता है कि जो गैस निकली थी हाइड्रोजन, एक्चुअली उसने क्या करा, उसने फायर कैच कर लिया. तो इट कैचेस फायर, तो वो एक्सप्लोजन के बाद आग भी लगने लगती है. फिर है, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व इफ एनी ड्यूरिंग द रिएक्शन. आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा गैस निकल रहा है? तो ये हिसिंग साउंड का जो गैस था उसने आग पकड़ ली, तो हमने आइडेंटिफाई किया कि वो हाइड्रोजन गैस थी, राइट. उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर. तो क्वेश्चन नंबर 38 ऑल्सो हैज टू पार्ट. बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लें. ए पार्ट है, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल डिस्क्राइब हाउ मेटल ऑक्साइड डिफर फ्रॉम नॉन मेटल ऑक्साइड. हमको ये बताना है कि जो मेटल ऑक्साइड है वो नॉन मेटल ऑक्साइड से किस तरह से अलग है, क्योंकि ये शॉर्ट टाइप आंसर है. तो आप यहाँ पे दो डिफरेंस भी लिखते हैं तो वो बिल्कुल ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पहली बात तो जो मेटल ऑक्साइड होती है वो बेसिक होती है कैरेक्टर में. उनका नेचर कैसा होता है? दे आर बेसिक इन नेचर.
और जो आपकी नॉन मेटल ऑक्साइड होती हैं वो एसिडिक होती हैं। बेसिक के साथ साथ और क्या क्या है हमको देखने के लिए मिलता है? अगर बेसिक है तो सेकेंड प्रॉपर्टी यहाँ पर आ जाती है कि इट इज गोइंग टू बी कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू। ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेंगी और ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगी, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी कन्वर्ट द रेड लिटमस टू ब्लू। और जो आपकी नॉन मेटल ऑक्साइड होती है वो एसिटिक के साथ साथ न्यूट्रल भी होती है। कैसी होती है? दे आर ऑल्सो न्यूट्रल ऑल्सो। और जो आपकी मेटल ऑक्साइड होती है वो बेसिक के साथ साथ एम्फोटेरिक भी होती है। इसके बाद अगर आपको एग्जाम्पल यहाँ पर देने हैं मेटल ऑक्साइड के, तो सोडियम ऑक्साइड दे सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे सकते हैं, और अगर आपको नॉन मेटल ऑक्साइड के एग्जाम्पल देने हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर इसका बी पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड यील्ड एज एसिडिक ऑक्साइड। इन सोडियम है, सल्फर है, कार्बन है, पोटेशियम, हाइड्रोजन, इसमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे? तो जो नॉन मेटल है वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे सल्फर एंड कार्बन। तो यहाँ पे सल्फर आएगा एंड कार्बन, क्योंकि सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। बेसिक ऑक्साइड कौन बनाएंगे? जो मेटल होंगे। तो सोडियम एंड पोटेशियम आपके बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड कौन सा बनाएगा? देखो, तो हमको पता है कि जो एच है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बनाता है जो कि न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, तो यहाँ पर एच आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, इट इज अबाउट चूज व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव एग्जांपल ऑफ द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो द ऑक्साइड विच एक्ट एज बेस और एज वेल एज एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ अ एसिड ऑफ बेस, सच ऑक्साइड्स आर नोन एज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ऐसे ऑक्साइड्स जो कि बेस की तरह भी बिहेव करते हैं एसिड की प्रेजेंस में और एसिड के साथ बेस की तरह बिहेव करते हैं, उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो हमको यहाँ पे दो ऑक्साइड के नाम बताने हैं। एक तो आपका बेटा हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, और एक आपका हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। ये आपके कैसे बिहेव करते हैं? ये आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करते हैं। उसके बाद बी पार्ट, चूज द एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड एंड न्यूट्रल ऑक्साइड। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, एसिडिक ऑक्साइड में यहाँ लिख लेती हूँ, बेसिक ऑक्साइड में यहाँ लिख लेती हूँ, और न्यूट्रल ऑक्साइड में यहाँ लिख लेती हूँ। एसिडिक ऑक्साइड हमारे नॉन मेटल ऑक्साइड होंगे और बेसिक ऑक्साइड हमारे मेटेलिक ऑक्साइड होंगे। तो Na2O आपका बेसिक ऑक्साइड हो गया क्योंकि ये मेटेलिक ऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका एसिडिक ऑक्साइड हो गया यहाँ पर, तो आपको पता भी होना चाहिए कि कौन कौन से हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड भी आपका एसिडिक ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड भी आपका एसिडिक ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बेसिक ऑक्साइड है। अगर हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये भी नॉन मेटल है, तो आपका आपका एसिडिक ऑक्साइड होगा और वाटर आपका न्यूट्रल होगा। उसके बाद सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसमें से कौन कौन से एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया एल्युमिनियम एंड जिंक ऑक्साइड आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो यहाँ पर भी हमारा जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड हमारा आंसर आने वाला है। इसके बाद हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 पर, और क्वेश्चन नंबर 40 क्या है चलो देख लेते जल्दी से। वॉट इज द नेचर ऑफ द ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड कैसा होगा? क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड है तो ये एसिडिक ऑक्साइड होगा, तो इसका नेचर कैसा होने वाला है? एसिडिक ऑक्साइड। देखिए ज्यादातर क्वेश्चन इसी पर डिपेंड कर रहे हैं अभी। उसके बाद वॉट हैपन इफ इट डिजोल्व इन वॉटर, अगर आप इसको पानी में डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा? देखिए रिएक्शन लिख लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस है, पानी में अगर ये डिजोल्व होती है तो ये एक एसिड बनाएगी, क्योंकि एसिडिक ऑक्साइड है, ये बनाएगी आपकी सल्फोनिक ऑक्साइड एक्वस, राइट। तो दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म द सल्फोनिक सल्फरस एसिड, तो क्या लिखेंगे आप? ये बना रही है आपका सल्फरस एसिड, राइट। द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व, सो दिस इज द केमिकल इक्वेशन इन विच द रिएक्शन इन्वॉल्व। इसमें देखिए हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 3 है, तो इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। फिर आपका बी पार्ट यहाँ पर आता है, वॉट इज द नेचर ऑफ ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड, क्योंकि ये आपकी बेसिक ऑक्साइड है, मेटल की बनी हुई है, तो ये आपका बेसिक ऑक्साइड होगा। अब ये पूछा है कि अगर इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये बेसिक ऑक्साइड है, तो वाटर में डिजोल्व करने पे बेटा ये बनाएगी बेस, तो हमने इसको वाटर में डिजोल्व किया, तो अब इसने क्या बना दिया? इसने ये बेस बना दिया, राइट, क्योंकि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। फिर है क्वेश्चन नंबर 41 का ए पार्ट, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, किस तरह के ऑक्साइड बनते हैं जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं? तो आंसर है एसिडिक ऑक्साइड, दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड।
यहाँ पर आपसे एग्जाम्पल भी पूछे गए हैं, तो आप सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी नॉन मेटल के साथ, लेकिन वो हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, उसके साथ आप इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं। बी है, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड आर फॉर्म व्हेन मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन, तो यहाँ पर आएगा आपका बेसिक ऑक्साइड। कैसा आएगा? बेसिक। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि एसिडिक ऑक्साइड के साथ साथ न्यूट्रल ऑक्साइड भी बनाते हैं। क्या लिख सकते हैं एग्जाम्पल में हम लिख देते हैं कि दे आर ऑल्सो फॉर्म न्यूट्रल ऑक्साइड, तो यहाँ पे वाटर आ जाएगा आपका न्यूट्रल ऑक्साइड में। बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं तो यहाँ पे Na2O और K2 आ जाएगा, MgO आ जाएगा, और साथ में ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दे ऑल्सो फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ZnO, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, आपके एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे दिए हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 42, लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 42 का ए पार्ट। एक्सप्लेन व्हाई मेटल यूजुअली डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, कि जो आपके मेटल्स हैं वो जनरली हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं लिबरेट कर पाते हैं नाइट्रिक एसिड की वजह से। देखिए बच्चों, जो नाइट्रिक एसिड है वो काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा है? दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये हाइड्रोजन की जगह पे क्या बना लेता है? वाटर। इसलिए क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन देता है, क्योंकि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो ऑक्सीजन डोनेट करते हैं, इसलिए ऑक्सीजन डोनेट करने की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं लिबरेट होती, वाटर बनता है। फिर है बी वाला पार्ट, यहाँ पर नेम टू मेटल विच कैन हाउएवर लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। आपको दो मेटल जो कि एक्सेप्शन है उनके नाम बताने हैं जो कि नाइट्रिक एसिड के साथ भी हाइड्रोजन गैस देती है। एक का नाम है मैगनीज और एक का नाम है मैग्नीशियम, तो आप इनके नाम भी लिख सकते हैं, मैगनीज एंड मैग्नीशियम, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 आता है। 43 का ए पार्ट है, हाउ डू मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन, क्या होता है जब मेटल रिएक्ट करती है हाइड्रोजन के साथ। सो मोस्ट ऑफ मेटल डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन, ज्यादातर मेटल्स तो रिएक्ट नहीं करती हाइड्रोजन के साथ। ओनली फ्यू मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड, तो कुछ ही मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्राइड। सारे नहीं करते हैं रिएक्ट, ओनली फ्यू मेटल रिएक्ट विद द मेटल टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड। अब ये बोल रहे हैं कि आपको कुछ एग्जाम्पल बताना है जहां पर कि मेटल हाइड्राइड बन रहा है, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल में सोडियम ले सकते हैं कि रिएक्टिव मेटल ही हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड बनाती है, तो ये बन जाएगा आपका NaH, यहाँ पर आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। उसके बाद हाउ डू नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन, किस तरह से नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो आंसर है इसका नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड। किस तरह के हाइड्राइड बनाते हैं जब नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं? ये बनाते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड। फॉर एग्जाम्पल, जब सल्फर कंबाइन करता है हाइड्रोजन के साथ, तो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यहाँ पे बनता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 44, तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है जल्दी से पढ़ लेते हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन कैल्शियम रिएक्ट विद क्लोरीन, जब कैल्शियम रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ तो क्या होता है? राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विच टेक प्लेस। देखिए कैल्शियम आपका सॉलिड स्टेट में है, क्लोरीन गैसेस स्टेट में है, तो ये बनाता है कैल्शियम क्लोराइड। क्या बनाता है? कैल्शियम क्लोराइड, जो कि आपका सॉलिड स्टेट में होता है। तो वी कैन से कैल्शियम रिएक्ट विग्रसली विद क्लोरीन टू फॉर्म आयनिक क्लोराइड। कैसा है? ये आपका आयनिक क्लोराइड है, और ये जो रिएक्शन होता है काफी विग्रस रिएक्शन है। उसके बाद बी पार्ट है आपका, इसमें व्हाट हैपेंड व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। देखिए क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है वो काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वाटर, तो हाइड्रोजन ना इवॉल्व होके वाटर होता है, लेकिन मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ ये हाइड्रोजन ही लिबरेट करता है। तो देखिए हम यहाँ पे रिएक्शन लिख लेते हैं जल्दी से, ये आ गया आपका रिएक्शन, आप इनकी स्टेट्स भी लिख सकते हैं, एक्वस आएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट हो रही है। तो इक्वेशन लिखना था, हमने इक्वेशन लिख लिया। अगर थ्योरी लिखना है तो आप ये लिख सकते हो, मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस। इसको चलिए हमने बैलेंस भी जल्दी से कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 45 पे हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का ए पार्ट है, अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन ऑर्डर ऑफ देयर केमिकल रिएक्टिविटी, प्लेसिंग द मोस्ट रिएक्टिव मेटल फर्स्ट।
आपको इन मेटल को इस तरह से प्लेस करना है कि जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो पहले आए, उसके बाद उससे कम 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 एंड उसके लास्ट में। इसके लिए आपको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना है। तो सबसे जो रिएक्टिव है, जो भी आपको दे रखा है सोडियम पोटेशियम, क्या सोडियम आता है, पोटेशियम यहाँ नहीं दे रखा, तो सोडियम आएगा, उसके बाद कैल्शियम आएगा, उसके बाद आपका मैग्नीशियम आएगा, मैग्नीशियम के बाद जिंक है, जिंक के बाद आयरन है, और आयरन के बाद लेड है, और लेड के बाद कॉपर है। कॉपर का मैं सिंबल लिख देती हूँ। फिर बी पार्ट है इस क्वेश्चन का ही, व्हाट हैपन व्हेन रॉड ऑफ जिंक मेटल इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। जब जिंक की रॉड कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप की जाती है तो क्या होता है, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। और यहाँ पर जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसका कलर फेड होता चला जाता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं, व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल इज पुट इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, देन द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स ग्रेजुअली एंड द रेड ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर इज ओवर द जिंक। तो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 45। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 46। अ कॉपर प्लेट वॉज डिप्ड इन सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। जो कॉपर की प्लेट है वो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में डिप की गई है। आफ्टर सर्टेन टाइम सिल्वर फ्रॉम द सॉल्यूशन वाज डिपॉजिटेड ऑन द कॉपर प्लेट, स्टेट द रीजन व्हाई इट इज हैपेंड, गिव द केमिकल इक्वेशन फॉर सच रिएक्शन। तो चलिए यहाँ पे हम केमिकल इक्वेशन दे देते हैं। तो यहाँ पर आपका कॉपर नाइट्रेट बनेगा, साथ में यहाँ पर सिल्वर आपका अलग हो जाएगा। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज सिल्वर गेट डिपॉजिटेड ऑन द कॉपर प्लेट। यहाँ पर जो सिल्वर है वो कॉपर प्लेट पे डिपॉजिट हो जाएगा, पहले वो रेडिश ब्राउन था वो सिल्वर ग्रेश कलर का हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ देखने के लिए मिल रही है। बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव मेटल देन सिल्वर, सो इट इज गोइंग टू बी डिस्प्लेस द सिल्वर फ्रॉम इट सॉल्ट सोल्यूशन। और यहाँ पर और क्या आपको देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे देख रहा है कि आपको ये ब्लू कलर का सोल्यूशन भी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 47, आप चाहे तो इनकी स्टेट भी लिख सकते हैं, सॉलिड है ये, एक्वस है, ये आपका एक्वस आएगा, ये आपका सॉलिड आएगा। चैप्टर नंबर 1 में भी हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत बार पढ़ी है। नाउ 47, स्टेट 5 यूज ऑफ मेटल्स एंड 5 यूज ऑफ नॉन मेटल्स। आपको 5 यूज बताने हैं मेटल्स के एंड 5 यूज बताने हैं नॉन मेटल्स के। चलिए मेटल के 5 यूज से स्टार्ट करते हैं। तो पहला यूज है कि हम होम यूटेंसिल्स बनाने में मेटल्स का यूज करते हैं, यूटेंसिल्स बनाने में घर के जो घरेलू बर्तन होते हैं उसमें यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग लेड मेटल का यूज करते हैं, और लेड मेटल का यूज क्यों कहाँ करते हैं, कार की बैटरीज बनाने में, कहाँ करते हैं, कार की बैटरीज बनाने में करते हैं। इसके साथ साथ हम जिंक मेटल का यूज करते हैं गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस में, वेयर वी आर यूजिंग दिस, वी आर यूजिंग दिस इन गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस। उसके बाद हम लोग और जैसे कि कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज करते हैं हम लोग वायर बनाने में, बिकॉज उनके पास प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी की। हम इनके इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने में, कौन से वायर, इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने में इनका यूज करते हैं। साथ में हम एल्यूमिनियम का यूज एल्यूमिनियम फॉइल बनाने में भी करते हैं, और साथ में मेटल का यूज ज्वेलरी बनाने में भी किया जाता था, वो भी लिख सकते हैं, लेकिन 5 ही यूज होते थे। उसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं नॉन मेटल के यूजेस को लिखने के लिए। तो आपको नॉन मेटल के भी 5 यूजेस यहाँ पर लिखने हैं, तो चलिए जल्दी से लिख लेते हैं। तो हम लोग कार्बन का यूज करते हैं या ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड्स बनाने में, कहाँ किसमें, इलेक्ट्रोड्स बनाने में करते हैं। इसी तरह से नाइट्रोजन का हम यूज करते हैं एज प्रिजर्वेटिव, कहाँ करते हैं, प्रिजर्वेटिव के तौर पर। आपने देखा होगा चिप्स वगैरह के पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस भरा हुआ आता है। इसी तरह से सल्फर का यूज हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में भी करते हैं, सल्फर का यूज हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में भी करते हैं। उसके अलावा लिक्विड हाइड्रोजन को हम लोग यूज करते हैं रॉकेट फ्यूल में, रॉकेट फ्यूल में हम लोग लिक्विड हाइड्रोजन का यूज करते हैं। उसके अलावा हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं हाइड्रोजिनेशन के प्रोसेस में, इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन। अगर आपको हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस नहीं पता है तो बेटा हाइड्रोजिनेशन में वेजिटेबल ऑयल्स को के मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन।
लेटरली वी हैव क्वेश्चन नंबर 48। तो 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो जल्दी से इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। शॉर्ट का पार्ट है ये आपका। लेट मी चूज द पेन फर्स्ट। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 48। स्टेट वन यूज ईच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। कॉपर का यूज हम लोग इलेक्ट्रिकल वायर में करते हैं, ठीक है, यहाँ पर ही लिखती जा रही हूँ मैं आपको। उसके बाद एल्यूमिनियम का यूज हम लोग एल्यूमिनियम फॉइल करने बनाने में करते हैं यूज, एल्यूमिनियम फॉइल बनाने में। आयरन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, ये जो आयरन का यूज है हम लोग रेलवे ट्रैक्स बनाने में करते हैं, घर के गेट बनाने में भी करते हैं, अलग अलग जगहों पे यूज करते हैं। सिल्वर का यूज हम लोग ज्वेलरी में करते हैं। गोल्ड का यूज भी हम लोग ज्वेलरी में करते हैं, क्योंकि देखो मेनली हम लोग सिल्वर और गोल्ड का यूज तो हमारे ज्वेलरी मेकिंग में ही हो रहा है, तो वही हम लिखेंगे। मरकरी का यूज, ये मैंने सिंबल लग दिया, थर्मामीटर बनाने में, जो आपका मरकरी बेस्ड थर्मामीटर होता है हम उसमें बनाने में करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 का जो ए पार्ट है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 49 का ए पार्ट, स्टेट वन यूज ईच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल। हाइड्रोजन का यूज कहाँ करते हैं, हाइड्रोजन का यूज हम लोग देखो 49 का ए हम यहाँ लिख देते हैं, हाइड्रोजिनेशन में करते हैं। किसमें करते हैं, हाइड्रोजिनेशन के प्रोसेस में हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं। उसके बाद कार्बन का एस ग्रेफाइट हम लोग कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रोड्स बनाने में करते हैं, कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रोड्स बनाने में करते हैं। नाइट्रोजन का यूज हम लोग एस प्रिजर्वेटिव करते हैं, किसकी तरह करते हैं, एस प्रिजर्वेटिव्स। उसके बाद सल्फर का यूज हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में करते हैं। फिर है बी पार्ट, नेम द मेटल विच इज यूज इन मेकिंग थर्मामीटर। तो यहाँ पे आएगी मरकरी, मरकरी आपका ऐसा मेटल है जिसको थर्मामीटर बनाने में यूज किया जाता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 50। दिस क्वेश्चन हैज थ्री पार्ट्स। पार्ट वन, व्हाई डज अ एल्युमिनियम नॉट रिएक्ट विद वाटर अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। एल्युमिनियम है वो रिएक्ट क्यों नहीं करता है वाटर के साथ अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, वो इसलिए नहीं करता बिकॉज उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर लग जाता है। जो एल्युमिनियम जो एटमोसफेयर में रखा हुआ है उसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रोटेक्टिव लेयर लग जाता है, जो कि उसको आगे वाटर के एक्शन से बचाता है, दैट्स वाई वाटर इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। फिर बी पार्ट आता है, नेम टू मेटल्स विच कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। अगर आप मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में देखते हैं तो जो हाइड्रोजन के ऊपर की मेटल्स हैं उनमें से कोई भी आसानी से हाइड्रोजन को एसिडिक सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है। तो आप यहाँ सोडियम लिख सकते हैं, पोटेशियम लिख सकते हैं, कैल्शियम लिख सकते हैं, मैग्नीशियम लिख सकते हैं, देयर आर सो मेनी मेटल्स। उसके बाद सी पार्ट आता है, नेम टू मेटल विच कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक डाइल्यूट एसिड। तो बेटा जो हाइड्रोजन के नीचे की मेटल्स हैं रिएक्टिविटी सीरीज में वो नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ पे कॉपर लिख सकते हैं, सिल्वर लिख सकते हैं, गोल्ड लिख सकते हैं, प्लेटिनम लिख सकते हैं, कोई भी दो मेटल्स देंगे आप यहाँ पर। फिर 51 का जो ए पार्ट है वो है, व्हाई इज सोडियम कैप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। कि आप जो सोडियम है उसको आप केरोसिन ऑयल में क्यों इमर्ज करते हैं, क्योंकि वो वाटर के साथ और एटमोस फिर एक ऑक्सीजन के साथ काफी, ये ऑक्सीजन है वायलेंटली रिएक्ट कर देता है, वायलेंटली रिएक्ट करता है एंड कैचेस फायर और आग भी पकड़ लेता है, इसलिए उसको हमें केरोसिन ऑयल में ही स्टोर करके रखना पड़ता है। आजकल हम लोग वैक्स के अंदर भी उसको कोट करके रखते हैं। बी पार्ट है, व्हाई इज व्हाइट फॉस्फोरस कैप्ड इमर्ज अंडर वाटर। व्हाइट फॉस्फोरस को हम लोग पानी में डिप करके क्यों रखते हैं, क्योंकि जो पानी में इसलिए रखते हैं क्योंकि जो आपका वाइट फॉस्फोरस है वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ बहुत ही स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन कर देता है। जैसे ही एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ या ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आएगा तो बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट करता है और पानी के साथ ये रिएक्ट नहीं करता, इसलिए हम इसको वाटर में स्टोर कर रखते हैं। फिर सी है, कैन बी कीप सोडियम इमर्ज अंडर वाटर। तो आंसर है नो। वाई? बिकॉज इट रिएक्ट विगरसली विद वाटर टू, राइट, क्योंकि पानी, क्योंकि जब भी हम सोडियम को अगर पानी के साथ हम रखेंगे तो बेटा ये क्या बना लेगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बन जाएगा, साथ में हाइड्रोजन निकलेगी एंड इट कैचेस फायर, तो इट रिएक्ट विगरसली, दैट्स वाई वी कैन नॉट स्टोर
सोडियम इनसाइड द वाटर. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 52. क्वेश्चन नंबर 52 इज ऑल अबाउट डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम विद वाटर. आपको डिस्क्राइब करना है रिएक्शन को, पोटेशियम की रिएक्शन को विद वाटर. तो हम यहाँ पे देखिए पोटेशियम जो कि सॉलिड स्टेट में है, ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ जो कि लिक्विड स्टेट में है, और ये बनाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साथ में जो कि आपका एक्वस स्टेट में है. ये लिबरेट करता है हाइड्रोजन जो कि गैसेस स्टेट में है, और हीट भी लिबरेट करता है. तो ये एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं. यहाँ पर भी 2 आएगा और यहाँ पर भी 2 आएगा. तो हम कह सकते हैं पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. फिर इसका बी पार्ट है राइट एंड इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ आयरन इसमें. ठीक है वो राइट द ओके. नाउ राइट एंड इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम. अब हमको ये बताना है कि जो आयरन है मेटल जो कि सॉलिड में है, वो जब वाटर के साथ मतलब कि स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो वो रिएक्शन हमको बताना है. साथ में हमें फिजिकल स्टेट भी बताने हैं सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के. तो आयरन आपका सॉलिड में है, वाटर आपका स्टीम में, तो गैस में हो गया ये. साथ में ये फेरिक ऑक्साइड बनाएगा जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 2 और 3 दोनों आपको नजर आएंगी आयरन की. Fe2O प्लस Fe2O3 का कॉम्बिनेशन है ये, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट करेगा. इसको अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ पर भी आपका 4 आएगा, और यहाँ पर आपका 3 देखने को मिलेगा. नाउ सी विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल. तो बेटा अगर हम रिएक्टिव मेटल को वाटर के साथ सॉरी एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 53. इफ आई टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 53, इट्स अबाउट ए पार्ट गिव एन एग्जाम्पल विद इक्वेशन. आपको एक एग्जाम्पल देना है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय मेटल फ्रॉम एन एसिड. आपको यहाँ पे बताना है कि किस तरह से मेटल एक एसिड में से डिस्प्लेस कर देती है हाइड्रोजन को. तो आप यहाँ पर क्या ले सकते हैं, यहाँ पर आप जिंक ले सकते हैं, साथ में यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड आप ले सकते हैं, और यहाँ पे आप ZnSO4 बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकल जाएगी. सो दिस इज द एग्जांपल गिवन एग्जांपल विद इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय मेटल फ्रॉम एन एसिड. नाउ बी पार्ट है, इसको आप बैलेंस भी कर लीजिएगा, वैसे ही ऑलरेडी बैलेंस है. यहाँ सॉलिड आएगा, यहाँ एक्वस आएगा, यहाँ एक्वस आएगा, और यहाँ पे गैस आएगा. आप कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. नेम टू मेटल अदर देन जिंक एंड आयरन विच कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. आपको जिंक एंड दूसरा क्या दे रखा है आयरन, उसके अलावा कोई भी मेटल आप यहाँ पे ले बतानी है आपको. एक्चुअली रिएक्शन नहीं लिखनी है जो कि इसको डिस्प्लेस कर सकते. तो रिएक्टिव मेटल ही आपको लेनी है. आप यहाँ मैग्नीशियम ले सकते हैं, आप यहाँ एल्यूमिनियम, कोई भी मेटल यहाँ ले सकते हैं. अगर आप मैग्नीशियम लेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, अगर एल्यूमिनियम लेंगे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू दी क्वेश्चन नंबर 54. देखिए शॉर्ट में मैं 54 पे आ चुकी हूँ, यहाँ पर टोटल 61 क्वेश्चन है, तो जल्दी ये क्वेश्चन यहाँ इस वीडियो में खत्म हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, व्हाट इज द एक्शन ऑफ वाटर ऑन सोडियम. सोडियम के साथ क्या होता है जब रिएक्ट करता है सोडियम आपका मेटल वाटर के साथ. तो पहली बात तो बहुत ही विग्रसली यहाँ पे रिएक्शन देखने के लिए मिलती है. विग्रस का मतलब है कि बहुत ही तेजी से रिएक्शन हो रही है, साथ में यहाँ पे आग लगने का भी खतरा होता है, क्योंकि इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है वो जलना स्टार्ट कर देता है, वो हीट को कैप्चर करते ही जलना स्टार्ट कर देता है. तो वी कैन से सोडियम रिएक्ट वेरी विग्रसली विद कोल्ड वाटर टू फॉर्मिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस विच कैचेज दी फायर. उसके बाद मैग्नीशियम के साथ जो रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा वो भी हम लोग देख लेते हैं. मैग्नीशियम सॉलिड में है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है विच इज इन लिक्विड स्टेट, और ये आपका बना रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस में है. साथ में यह हाइड्रोजन गैस आपका लिबरेट होता हुआ दिख रहा है. ठीक है, उसके बाद आपका आता है एल्यूमिनियम के साथ, तो इसी तरह से हम एल्यूमिनियम के लिए भी लिख देते हैं. यहाँ पर ये रिएक्ट करेगा
वाटर के साथ जो कि गैसेस स्टेट में मानेगी स्टीम में होगा तभी ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा एल्युमिनियम, वरना नहीं करेगा। क्योंकि एल्युमिनियम जब एटमोसफेयर में रखा है तो उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, इसलिए हमें स्टीम में वाटर को लेके आना पड़ता है तभी वो रिएक्ट कर पाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, यू आर गिवन द सैंपल ऑफ थ्री मेटल, आपको सोडियम दे रखा है, मैग्नीशियम दे रखा है, कॉपर दे रखा है, सजेस्ट एनी टू एक्टिविटी टू अरेंज देम इन ऑर्डर टू डिक्रीज इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो हमें कोई यहाँ पर टू एक्टिविटीज बतानी है जिससे कि हम बता सकते हैं कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम। वैसे तो हमको पता है कि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद मैग्नीशियम रिएक्टिव है और उसके बाद आपका कॉपर सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। तो आप यहाँ पे ये एक्टिविटी दे सकते हैं कि सोडियम जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो वो हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस लिब्रेट करता है, साथ में हीट लिब्रेट करता है जो कि फायर को कैच कर लेता है। जबकि जो मैग्नीशियम है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर हाइड्रोजन गैस लिब्रेट तो करता है लेकिन वो फायर को कैच नहीं करता, लेकिन कॉपर रिएक्ट ही नहीं करता वाटर के साथ। तो हम इस तरह से ये एक्टिविटीज यहाँ पर दे सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 56, अगर आपको रिएक्शन एक बार चैप्टर की रिएक्शन ढंग से समझ में आ जाती हैं तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 56 का ए पार्ट, राइट वन रिएक्शन विच एल्युमिनियम ऑक्साइड बिहेव एज बेसिक ऑक्साइड एंड अनदर इन विच इट बिहेव एज एसिडिक ऑक्साइड। क्योंकि देखो यहाँ पे जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है तो वो बेस के साथ एसिडिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करेगी और एसिड के साथ बेसिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करेगी। तो अभी मैं इसका रिएक्शन करवाती हूँ एसिड के साथ, तो जब ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है तब ये बेसिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि एसिड के साथ रिएक्शन करने पे बेसिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बन रहा है, सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। तो इन दिस रिएक्शन एल्युमिनियम ऑक्साइड बिहेव एज बेसिक ऑक्साइड बिकॉज इट रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब दूसरी रिएक्शन में मैं इसका रिएक्शन करवा देती हूँ बेस के साथ, तो जब हम बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे इसका तब ये सॉल्ट बनाएगी और साथ में वाटर भी लिब्रेट करेगी। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये एसिडिक ऑक्साइड की तरह बिहेव कर रही है बिकॉज व्हेन दिस इज गोइंग टू रिएक्ट विद द बेस इट इज गोइंग टू फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर, सो हेंस हियर इट इज एक्ट एज अ एसिडिक ऑक्साइड। फिर अगर हम इसके बी पार्ट के बारे में बात करें, व्हाट स्पेशल नेम इज गिवन टू द सब्सटेंस लाइक एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड जैसे ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं जो कि बेस की साथ एसिड की तरह बिहेव करती है, एसिड के साथ बेस की तरह, तो आंसर है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उसके बाद सी पार्ट है, नेम अनदर मेटल ऑक्साइड विच बिहेव एज एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड इसका एग्जाम्पल है जो खुद भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 57 का पार्ट ए, व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर, क्या होता है जब कैल्शियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ। देखिए जब यहाँ पर कैल्शियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो देख लेते रिएक्शन ही लिख लेते हैं, कैल्शियम सॉलिड में है, इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद वाटर विच इज इन लिक्विड स्टेट, इट विल गिव यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अलोंग विद विच इज एक्वस इन स्टेट और अलोंग विद इट गिव द हाइड्रोजन गैस। तो हम कह सकते हैं व्हेन कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से राइट एंड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन विच टेक प्लेस व्हेन आयरन रिएक्ट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब हमको आयरन को रिएक्ट करवाना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से और इक्वेशन हमको यहाँ देनी है, तो यहाँ पर आएगा FeSO4 क्योंकि आयरन डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को और यहाँ पे निकलेगा हाइड्रोजन गैस और ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। व्हाट हैपन व्हेन द गैस प्रोड्यूस इज इग्नाइटेड विद बर्निंग मैच स्टिक, इट स्टॉप द मैच स्टिक स्टॉप बर्निंग विद अ पॉप साउंड। अगर हम बर्निंग मैच स्टिक को लेकर आएंगे इस गैस के पास तो ये बर्निंग मैच स्टिक को स्टॉप कर देगी उसकी बर्निंग को विद अ पॉप साउंड। पॉप साउंड इज व्हाट, दिस साउंड इज अ पॉप साउंड। ये आपका टेस्ट भी है इस गैस के टेस्ट को करने के लिए लैब में, अगर कहीं पर हाइड्रोजन गैस लिब्रेट हो रही है तो बर्निंग मैच स्टिक लेके जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो बंद हो जाएगी पॉप साउंड के साथ। क्वेश्चन नंबर 58, यू आर गिवन अ ड्राई सेल अ टॉर्च बल्ब विद अ होल्डर वायर एंड क्रोकोडाइल क्लिप्स
हाउ वुड यू यूज देम डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. तो हमें ये सारे जो हमें ड्राई सेल दे रखा है, टॉर्च बल्ब दे रखा है होल्डर के साथ, वायर और क्रोकोडाइल क्लिप जो दे रखे हैं, इनके साथ हमें एपरेटस का सेटअप कर लेना है. ये एपरेटस का सेटअप कुछ इस तरह से हमको देखने को मिलेगा, जो कि आप स्क्रीन पर डायग्राम पर देख पा रहे हो. यहाँ पर हमने ड्राई सेल का यूज कर रखा है. उसके बाद हमने यहाँ पे क्रोकोडाइल क्लिप्स, एक्चुअली क्या होता है ना, इनको हम एलिगेटर क्लिप्स भी कहते हैं, जिसमें कोई भी चीज फंस सकती है. ये ड्राई सेल हमने यूज करा है, ये टॉर्च बल्ब और ये क्रोकोडाइल क्लिप. हम क्या करेंगे, जब हम इसमें कोई नॉन मेटल जैसे कि सल्फर लगाएंगे, यहाँ पर इन क्रोकोडाइल क्लिप में हमने सल्फर लगाया, तो देखेंगे कि बल्ब ग्लो नहीं करता है. और जब एल्युमिनियम फॉइल या कोई भी मेटल लगाएंगे तो देखेंगे बल्ब ग्लो कर रहा है. तो इस तरह से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अगर बल्ब ग्लो करेगा तो मेटल है, और बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो नॉन मेटल है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 59. स्टेट एनी फाइव फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड फाइव फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल. आपको यहाँ पे पांच फिजिकल प्रॉपर्टी देनी है मेटल की, और पांच फिजिकल प्रॉपर्टी आपको देनी है यहाँ पे नॉन मेटल की. तो चलो जल्दी से हम लोग कर लेते हैं. यहाँ पे पांच हम दे देते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. तो पहला है मेटल्स आर मैलिएबल. मैलिएबल का मतलब क्या होता है कि दे कैन बी कन्वर्टेड इंटू थिन शीट, पतली पतली शीट्स में उनको चेंज कर सकते हैं. दूसरा प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं डक्टिलिटी, दे आर डक्टाइल, कि उनको हम थिन वायर में चेंज कर सकते हैं. उसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पे सोनोरस मेटल्स आर सोनोरस, कि वो काफी ज्यादा जो साउंड होता है वो साउंड क्रिएट करती हैं, बैंग साउंड क्रिएट करती हैं. उनको अगर हम बजाएंगे तो बैंग साउंड क्रिएट करेंगी. उसके बाद दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी हम बोल सकते हैं. और उसके बाद यहाँ पर एक और आ सकता है लक्षरस, दे आर लक्षरस. अगर नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो पहला आएगा ब्रिटल, ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो काफी पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ये चीज हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर. साथ में हम यहाँ पर और क्या बोल सकते हैं, दे आर डू नॉट हैव लक्षर, डू नॉट हैव लक्षर. उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. एंड उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, दे आर नॉट डक्टाइल, ठीक है, दे आर नॉट डक्टाइल. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 60 पार्ट ए, नेम टू फिजिकल प्रॉपर्टी ईच ऑफ सोडियम एंड कार्बन इन विच दे आर बिहेवियर इज नॉट एक्सपेक्टेड एज फ्रॉम देयर क्लासिफिकेशन एज मेटल एंड मेटल. यहाँ पे मतलब है कि सोडियम की ऐसी दो प्रॉपर्टी हमको बतानी है जो कि मेटल क्लासिफिकेशन से रिजेंबल नहीं करती. इसी तरह से हमें कार्बन की बतानी है. तो पहली बात तो जो सोडियम है काफी सॉफ्ट मेटल है, जबकि बोला जाता है कि ऑल द मेटल्स आर वेरी हार्ड. इसके साथ साथ इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा लो है, जबकि आपके मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होते हैं. अगर हम कार्बन के बारे में बात करें जो कि एक नॉन मेटल है, तो कार्बन से बना है ग्रेफाइट, और बोला जाता है कि जो नॉन मेटल्स हैं दे आर वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि आपका ग्रेफाइट कैसा है, दिस इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. उसके बाद अगर हम एक और प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं कार्बन का ही डायमंड जो है, क्योंकि जो नॉन मेटल होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होते हैं, लेकिन इनका मेल्टिंग इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है आपका डायमंड का काफी ज्यादा हाई है. तो हम बोल सकते हैं ऐसी दो प्रॉपर्टीज ये हैं जो कि इनको नॉन मेटल की कैटेगरी से बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी में लाके रख देती हैं. अगर बी पार्ट हम इसका बोले, नेम टू मेटल हुज मेल्टिंग पॉइंट आर सो लो दैट दे मेल्ट विद द हैंड इन हैंड, हाथ में रखने पे ही वो मेल्ट हो जाते हैं. एक है गैलियम और दूसरा है सीजियम, कि उसको हम पाम में रखेंगे या हाथ पे रखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो मेल्ट हो जाते हैं. इसका शॉर्ट्स का लास्ट क्वेश्चन है. एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर ले. मेटल्स आर सेट टू बी शाइनी, व्हाई डू मेटल जनरली अपीयर टू बी डल. जो मेटल्स होते हैं वो काफी शाइनी होते हैं, लेकिन क्यों दिखते हैं डल, हाउ दे आर ब्राइटनेस बी रिस्टोर. देखिए क्या होता है कि जब मेटल्स शाइनी होते हैं तो एटमोसफेयर में वो एटमोसफेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके मेटल कार्बोनेट बना लेते हैं, और सल्फर के साथ रिएक्ट करके मेटल सल्फाइड बना लेते हैं. इनका अपीयरेंस कैसा हो, दिखने लगता है डल. तो आप क्या कर सकते हैं मेटल्स को, अगर आप फिर से चाहते हैं कि वो मेटल्स
से शाइनिंग हो जाए तो उसको आप सैंड पेपर से घिस सकते हैं या फिर सर्फ के पानी से भी इसको साफ कर सकते हैं।